तो दोस्तों अब हम देखते हैं नेपोलियन और उसके रूल के बारे में। 1804 में नेपोलियन ने खुद को राजा घोषित कर दिया, यानी डेमोक्रेसी को फिर से रोक दिया गया है ना। और उसने 1815 तक, जब वाटरलू की लड़ाई हुई और उसके बाद वियन्ना ट्रीटी हुई, तब तक उसने रूल किया। अब नेपोलियन के आने से कुछ अच्छी चीजें हुई, जैसे कि नेपोलियन ने एक कोड लॉन्च किया जिसका नाम था नेपोलियनिक कोड, या सिविल कोड भी जिसे कहा जाता है। इस कोड के क्या फायदे थे मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक तो सब लॉ के सामने इक्वल कर दिए उसने। दूसरी बात है राइट टू प्रॉपर्टी। पहले मजदूरों को या गरीबों को प्रॉपर्टी लेने का हक नहीं था, वो सिर्फ उससे संभालते थे। यहां राइट टू प्रॉपर्टी मिला, साथ में नो फ्रूडल सिस्टम कर दिया, यानी चाहे फार्मर हो चाहे बिजनेसमैन हो, उनको अपने इनकम में से सरकार को टैक्स देना पड़ता था। वो थी फ्यूडल सिस्टम जो उसने बंद कर दी, तो लोगों ने काफी स्वागत किया उसका। और भी कुछ अच्छी चीजें हो गई, जैसे कि नेपोलियन के समय में ट्रेडिंग अच्छे से इम्प्रूव हो गई, जो व्यापार कहते हैं व्यापार बढ़ा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इम्प्रूव हो गई और कम्युनिकेशन भी काफी अच्छा इम्प्रूव हो गया। अब नेपोलियन के टाइम में कुछ चीजें अच्छी नहीं हुई। आपको याद है थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच आर्मी बाकी लोगों की मदद करने निकली थी। उन्होंने वहां जाके क्या किया, पहले तो उनका स्वागत किया गया ये सोचकर कि वो डेमोक्रेसी लाएंगे, बट बाद में लोगों को पता चला कि यहां हमारा विश्वासघात हो गया है, तो उन्होंने विरोध करना शुरू किया। क्यों विरोध किया, क्योंकि फ्रेंच आर्मी ने वहां पे रूल करना शुरू कर दिया, वहां के टैक्सेस बढ़ा दिए जो कि लोगों को पसंद नहीं आया, और लोगों को फोर्सफुली मिलिट्री में शामिल करने लगे थे वो, ये भी लोगों को पसंद नहीं आया, तो सबने उसका विरोध किया। और बाद में एक लड़ाई हुई, वाटरलू की लड़ाई 1815 में, जहां पे नेपोलियन हार गया